प्रॉब्लम है अंदर सलूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करे वाकई मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। या तो जिंदगी भर इन बालों के साथ घूमो या गंजे हो जाओ। अरे नहीं मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने बोला गंजे हो जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, या तो बाल ऐसे रखो या गंजे हो जाओ। अरे जिंदगी भर ऐसे बाल थोड़ी रख सकता हूँ मैं, ना ही मैं भीड़े की तरह गंजा रह सकता हूँ। होना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप गंजा होना पड़ेगा जेठालाल। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान, ये क्या किया दया तूने? ये क्या किया? अबे क्या करूं मैं? तारक कुछ तो कीजिए। क्या करूं अंजलि भाई, उनसे मैंने बात कर ली, वो कह रहे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे क्या क्या कर सकते हो आप? सब कुछ कर सकते हैं, आपका बुलाया क्यों इधर? कीजिए, आपको करना पड़ेगा, कुछ तो कीजिए मेहता साहब। हाँ, प्लीज कुछ कीजिए, रास्ता निकालिए। एक तो ऐसे बाहर ऊपर से ऐसे निकला। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? तारक आप ही ना, कोई ऐसा मजाक करता है तो? जेठा भाई का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो? अरे शक्ल से देखो, दोस्त के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ मजाक करूंगा भाई? कर ली मजाक। अभी बोलो भाई, उन्होंने फोन में क्या बोला हो तो बोलो बापा। अरे भाई, शैम्पू की बोतल पे साफ लिखा हुआ है, मेरी कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने बोला कि आपको पढ़ लेना चाहिए था कि अगर आप इस शैम्पू को 5 मिनट से ज्यादा सर में लगा के रखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल किया था। ज्यादा टाइम 20 मिनट तक यह तबलची मेरे सर में तबला बजा रही थी। 20 मिनट तक। अरे अब चिंता मत करो, उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है, लेकिन अपने आप 5-6 घंटे के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा। तुम जैसे ही वापस धोगे एक्चुअली सेम बाल हो जाएंगे तुम्हारे। थैंक गॉड। चलो अब हम लोग निकले। हाँ, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू, थैंक यू अंजलि भाभी, आप कस्टमर का नंबर बोला। चलो भाई, बाय जेठालाल। चलो चलो, ओके, ऑलराइट, बाय। मदरास से मैं आया हूँ। वाह, ओह, या देखो। जेठालाल ने जो आयुर्वेदिक तेल दिया था ना, खुद को मैंने सर पर लगाया और जब बाल धोया तो ये ऐसा हो गया। पर तेल से बाल ऐसे कैसे हो गए? बबीता जरूर तो जेठालाल ने कुछ गड़बड़ की है। उस जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल भाई क्या हुआ? क्या ये सब छोड़ा जाए भाभी? जेठालाल किधर है? जेठालाल जेठालाल आया आया आया। एक मिनट बबीता जी, आइए आइए। जेठालाल एक मिनट बबीता जी बैठिए ना। जेठालाल हमको बैठना नहीं है। क्यों? इधर बाल खड़ा हो गया है। शांति रख यार भाई, बाल खड़े हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं। आया आया बैठिए बैठिए बैठिए। जेठालाल ये बाल तुम्हारी वजह से खड़े हो गए। तुमने ऐसा कौन सा तेल दे दिया मेरे को? तेल? कितना झूठ बोल रहे हो अय्यर भाई आप। मैंने आपको तेल दिया ही नहीं है। क्या तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं। जेठालाल तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं। क्या बात करते हो, तुमने ये तेल मेरे को नहीं दिया था? नहीं नहीं, ये बोतल तेल का है लेकिन इसके अंदर शैम्पू है। शैम्पू? पर शैम्पू से बाल ऐसे थोड़ी होता है। हाँ होता है बबीता जी, ये शैम्पू से बाल ऐसे होते हैं। और ये शैम्पू से बाल ऐसे क्यों होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे हमारी संवाददाता दया। गड़ा बताइए जरा। बात यह है कि ये आयुर्वेदिक शैम्पू मेरे वीरा ने अहमदाबाद से भेजा है और इस शैम्पू के ऊपर लिखा है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे तो बाल ऐसे हो जाएंगे। मतलब जेठालाल तुमने जानबूझकर मेरे साथ में ये मजाक किया? जेठा जी दिस इज नॉट फेयर। कोई ऐसा मजाक करता है? फेयर? बबीता जी आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने मजाक किया और ये मजाक मैंने क्यों किया उसके बारे में मैं आपको चंद बातें करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या मैं कर सकता हूँ चंद बातें? जी। थैंक यू। दया जी इधर आइए। बबीता जी अगर आपको याद हो तो अय्यर भाई ने जब पहली बार मेरे ऐसे बाल देखे तो फूट फूट का हंसने लगा था। कार्टून। हाँ उन्होंने मुझे कार्टून भी बोला। तभी सोचिए मेरा दिल पे क्या बीती होगी। अरे ये कहाँ के संस्कार है बबीता जी कि किसी को तकलीफ में देखकर आप उसके ऊपर हंसो, उसका मजाक उड़ाओ। बस तभी मैंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार दूंगा। इसीलिए मैंने अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार देने के लिए ये छोटा सा मजाक किया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप जो सजा दो वो मैं भुगतने को तैयार हूँ बबीता जी। अय्यर जेठा जी इज एब्सोल्युटली राइट। मजाक की शुरुआत तुम ही ने की थी and you should say sorry to him right now. नहीं नहीं बबीता जी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रहने दो। वैसे आप सॉरी नहीं बोलोगे तो बबीता जी को बुरा लगेगा तो बोल दो सॉरी। वांदा नहीं अय्यर भाई। आई एम सॉरी जेठालाल। थैंक यू। और मैं भी सॉरी बबीता जी। इट्स ओके नो प्रॉब्लम। बबीता चलो। सॉरी हाँ अय्यर भाई। जेठालाल कल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है तो मैं वहाँ जा पाऊंगा कि नहीं? अगर आपको बुलाया हो तो जा सकते हो। बुलाया है तभी तो बोल रहा हूँ। तो फिर जाओ। हाँ लेकिन मैं ऐसे बाल लेकर कैसे जा सकता हूँ? अच्छा अच्छा वो बाल की वजह से पूछ। नहीं ना उसका टेंशन मत लो। ये क्या 4-5 घंटे ऐसे रहेंगे फिर बाल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। और बबीता जी वो कस्टमर केयर में वो फोन किया ने तो उधर से बोला उन लोगों ने ऐसा समझाया। ओके ओके। चलो। अरे अय्यर भाई एक मिनट, आपने मेरा फोटो खींचा तो मुझे भी आपका फोटो खींचने का मौका दीजिए। हंसो हंसो। जीना जी मुझे दीजिए, मैं आप दोनों की फोटोग्राफ खींचती हूँ। अरे वाह ये अच्छा आइडिया है। ठीक है ठीक है। से चीज चीज। एक मिनट। अबे अय्यर भाई अबे हम दोनों का एक निकाला ना। अभी आइए ना। जेठालाल इधर देखो। हाँ भाई हाँ। सब लोग इस्माइल के साथ। कसम सोने की, आज तो आप लोगों को दो सोडा पीना पड़ेगा। दो क्यों पीना पड़ेगा भाई? एक पे एक फ्री दे रहा है क्या? कोई मॉनसून की सेल लगा रखी है तूने? हाँ मॉनसून की तो बात ही मत करो। अरे बरसात की वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया है, कोई सोडा पीने के लिए आता ही नहीं है। अरे भाई नुकसान तो मेरा भी हो गया है, अब महीने में 6-7 बार ही सोडा पीने को मिलती है। भाई मजे सिर्फ 2 लोगों के, मेहता साहब और जेठालाल। कैसे भाई? भाई बारिश हो या ना हो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो बिकता ही है, और मेहता साहब के आर्टिकल्स भी रोज छपते हैं। सही बात है भाई, इस हिसाब से तो पोपटाल 2 नहीं 3 लोगों के मजे, क्योंकि देखिए बारिश के दिनों में ज्यादा गाड़ियां खराब होती है, तो जैसी गाड़ी खराब होती है लोग छोटी को फोन करते हैं, आ जाओ जी ठीक करो, ये पहुंच जाता पल्ले पल्ले। पर मेहता साहब 3 की जगह 4 गई है। अपना ये शिक्षक है ना, और ट्यूशन की क्लासेस तो इसकी भी बारिशों में चलती रहती है, क्यों पढ़ो? नहीं भाई इस हिसाब से तो 5 आदमी के मजे है। बरसात में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है, तो फिर सबसे ज्यादा मजे तो डॉक्टर आती के है ना। ये भी सही बात है। इसका मतलब बारिश के मौसम में एक ही आदमी का मजे नहीं है, वो है अपना अब्दुल। नहीं सिर्फ अब्दुल नहीं, मैं तो कहूँगा 2 लोग का मजे नहीं है। 2 लोग? 2 अब्दुल और अय्यर भाई। अय्यर की मैं क्यों जेठालाल? अरे बारिश के दिनों में अय्यर भाई कहाँ होने चाहिए? लेबोरेटरी में। अरे भाई वो साइंटिस्ट है ना, तो सब वो प्रयोग करते हैं किधर? लेबोरेटरी में ही करते हैं ना। जेठालाल उसका लेबोरेटरी नहीं लेबोरेटरी बोलते हैं। हाँ भाई ठीक है लेबोरेटरी, चलना वो बीच में का ब बोलना भूल गया मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बारिश के दिनों में वो होने चाहिए लेबोरेटरी में, लेकिन वो तो दिखते ही इधर सोसाइटी में ही है, तो लगता है लेबोरेटरी में उनका जरा कामकाज ठप होगा क्या अय्यर भाई? तो फिर रोज घर पे ही सब प्रयोग चालू। एकदम करेक्ट बोला तुमने जेठालाल, बारिश के मौसम में मैं घर में नए प्रयोग करता हूँ। अच्छा? एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ मैंने खींचा है। ओहो किड़ा? दिखाऊं आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल। है ना मस्त फोटो है ना? देखो 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 देखो। आज वारम तुम मिला यार। क्या इतना असर है? ओ यार साहब ये फोटो आप ब्लूटूथ से मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। भाई साहब मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल आत्माराम तुमको भी दूंगा। हाँ यार भाई लो सबको प्रसाद बांटो लो। क्या जेठालाल तुमने फोटो डिलीट कर दिया? गलत बात जेठालाल, बहुत गलत बात है ये। अरे कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ सबको ब्लूटूथ से भाई। मेरे फोन में भी फोटो है, लेकिन ये फोटो थोड़ा अलग है। ये फोटो अय्यर भाई का है। हाँ, उनके भी बाल ऐसे ही हो गए थे मेरे जैसे, ये देखो। अरे वाह, अय्यर साहब आप भी। जेठालाल मेरा का दिखाना 1 मिनट। हाँ मेरा का दिखाना, मेरा का दिखाना। मुझे क्या लल्लू समझाए क्या? जेठा भाई आप दोनों के बाल ऐसे कैसे हो गए थे? अरे हाँ मैं बता दो, मैं बता दो। बताइए। कमाल है जेठा भरा, तुमने भी जबरदस्त तरीके से अय्यर से बदला ले लिया। वैसे अय्यर भी कम नहीं है सोडी, क्या फोटो निकाला था जेठालाल का, अप्रतिम फोटो। हाँ ये बात है। ओ भाई भिड़े, ये बालों की बात पे तू ज्यादा हंस मत भाई, तुझे तो चुप ही रहना चाहिए। क्यों? क्यों क्या, बालों के हायर शॉर्टेज तो तेरे पास है। सही बात है। दया मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए टप्पू के पापा, अब रूबल तो भूल ही गया। अरे थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे दया। हाँ? ये क्या बांसुरी है, इसमें से कुछ डाला तूने रुमाल में? अरे वो तुलसी अगरबत्ती के साथ मोगरा का अत्तर मुफ्त में मिला है, वो छिड़का है, मस्त है ना? मस्त क्या भयंकर है, तो रास्ते में चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मैं दूसरा रुमाल ले लेता हूँ। हाँ अमरीश भाई बोलो बोलो। अंजलि। हाँ तारक। ओके मैं निकलता हूँ ऑफिस। 1 मिनट तारक। अरे बाद में यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बॉस वेट कर रहा होगा। ओके बाय। तारक अरे 1 मिनट। अरे तारक रुकिए। अंजलि मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी लेट हो रहा, तुम मुझे मोबाइल में फोन करो। ओके बाय। बात कैसे करोगे, आपका मोबाइल कहाँ है? ओके थैंक यू अंजलि। ओके मिलते हैं। अरे सुनो तो, आपका पर्स लिया? पर्स नहीं। ओह थैंक यू सो मच अंजलि। ओके बाय। अरे रुको, रुमाल लिया? रुमाल नहीं, रुमाल भी नहीं लिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। अच्छा सुनिए ना। हाँ? आपका दिमाग लिया? दिमाग? अंजलि मुझे लेट हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रही है, मैं बाद में बात करता। बाय बाय बाय। 1 मिनट। छींक आई है ना, तो जरा 2 मिनट रुक के जाइए। अंजलि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे लेट हो रहा है। तारक छींक आना अपशगुन माना जाता है। अरे ये सब फालतू की बातें हैं अंजलि, मुझे जाने दो प्लीज। अरे सुनिए तो। मेहता साहब आप रुक जाइए ना, मेरी माँ कहती है कि हम बाहर जा रहे हो और छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अब सुकून होता है। देखिए ना दया भाभी, मैं भी कब से वही समझा रही हूँ इन्हें। सुनेंगे सुनेंगे। अरे दया भाभी मैं इस शगुन अपशगुन में यकीन बिल्कुल नहीं रखता, और इन छींक वीक से कुछ नहीं होता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है प्लीज। अरे मेहता साहब देखिए, जब तक आपको दूसरी छींक न आए तब तक आप नहीं जा सकते। दूसरी छींक आए तो जा सकते हैं। हाँ 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 आ गई है। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, नकली वाली नहीं असली वाली छींक चाहिए। अब दया भाभी एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और मुझे इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं है। सॉरी। हाँ बाय बाय बाय। तारक रुकिए ना। नहीं नहीं अभी चलता हूँ बस। मेहता साहब को रोकना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे टप्पू के पापा ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ जेठालाल को? तेरी जेठालाल यार, छोड़ी क्या कर रहे हो यार? ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट गाड़ियों को रोक लेती है, लेकिन यहाँ मुझे एक छींक ने रोक लिया। आपको बहुत जरूरी काम से जाना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आपको अचानक छींक आ जाए और आपके घर वाले कहें नहीं 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 भाई ये तो अपशगुन हो गया, फिर आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही मुझे इस वक्त लग रहा है जब अंजलि मुझे ये कह रही थी कि भाई अपशगुन हो गया। मुझे शगुन अपशगुन शुभ अशुभ कभी समझ में नहीं आता। अब भाई कांच टूट जाए तो शुभ, दूध उबल जाए तो अशुभ, भाई दोनों में नुकसान तो हो ही रहा है ना। लोग अमावस्या के दिन यात्रा नहीं करते, विदेश नहीं जाते, और मैं उसी दिन टिकट लेता हूँ क्योंकि सीटें मिल जाती है, खाली रहती है ट्रेन और प्लेन दोनों। लेकिन अब करें क्या साहब, हमारे समाज में इस अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, काला जादू, भ्रम, इन सब ने इतनी जड़ें जमा ली है कि समझ में नहीं आता। बहुत बहुत टेंशन है, लेकिन इस टेंशन में होगी सिर्फ हंसी और ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।